हाय गाइस, मैं ध्रुव। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा तीन कारण जिस वजह से भारत को आज चौथे ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चौथे ODI में परास्त कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा तीन कारण जिस वजह से इंडिया आज हारी है। नंबर 3, बेअसर गेंदबाजी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ उमेश यादव ने भारत के लिए प्रॉपर गेंदबाज कर, सिर्फ उमेश यादव ने 4 विकेट लिए। उनके अलावा जो एक विकेट गिरा था वो पार्ट टाइम बॉलर केदार जाधव ने लिया था। तो दोस्तों, मतलब क्या समझ सकते हैं कि ना ही किसी स्पिनर ने विकेट ले पाए एक भी, ना ही कुछ। नंबर 2, बैटिंग ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर भी आज टीम इंडिया का बहुत ही ख़राब था। हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर भेजा गया, जबकि MS धोनी को नंबर 7 पे। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि जब धोनी आए और गए, उनको सेटअप होने के थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही रहता है, तो उस बीच में बहुत देर हो गई। और नंबर 1, मिसअंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोहली और रोहित शर्मा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस वजह से रोहित शर्मा आउट हो गए। मैं कह सकता हूँ कि वह मैच का टर्निंग पॉइंट था। यदि रोहित शर्मा उस समय सर्वाइव कर जाते हैं तो हो सकता था मैच का नतीजा कुछ और ही हो सकता था। तो दोस्तों, यह थी मेरी प्रेडिक्ट, मेरे हिसाब से 3 गलतियाँ जो कि जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।